बहुत ही फॉन्डली जयपुर को गुलाबी नगरिया कहा जाता है, दैट इज पिंक सिटी। और जैज 2019 अगर आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे गुलाबी चीज आपको नजर आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी द ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पिंकी स्टॉल ऑफ जूल्स ऑफ जयपुर, एंड दैट इज बाय अंकित लोधा। वेलकम अंकित। हाय, गुड मॉर्निंग अंकित। एज आई कैन सी, आपकी स्टॉल बाहर से देखने में ही इतनी खूबसूरत है, सो आई कैन इमेजिन ऑब्वियसली डिजाइन भी बहुत ही खूबसूरत होंगे, बट वॉट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस स्टॉल डिजाइन? आज से 300 साल पहले जब राजा महाराजा ज्वेलरी खरीदते थे तो ज्वेलर्स एक हर शहर घूमते थे, तंबू लगाते थे, एक तंबू या यू नो रॉयल टेंट बोलते हैं इसको, तो इट्स काइंड ऑफ रॉयल टेंट, द इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम रॉयल टेंट, एंड यू नो ऑल आर कस्टमर्स आर लाइक किंग्स एंड क्वींस फॉर अस, सो दैट वाज अ मेजर इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, सो वी टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम रॉयल टेंट ऑफ ज्वेलर्स हु आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड सिटीज ऑफ इंडिया। जयपुर जाना जाता है अपनी ज्वेलरी के लिए, लेकिन ज्वेलरी अधूरी है जब तक उसमें वो खूबसूरत रंग बिरंगे जेम स्टोन्स ना जड़े जाएं। और खासकर अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ कि जयपुर गढ़ माना जाता है बहुत खूबसूरती से हर जेम स्टोन की कटिंग के लिए, जिसे फेसेटिंग भी कहा जाता है। विजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। यहाँ पर जब आप जेम स्टोन्स लेकर आते हैं तो कौन सी दो तीन चीज़ें हैं जिनकी तैयारी करके लेके आते हैं? मैम देखिए, बेसिकली तैयारी तो हर चीज़ की करनी पड़ती है हमें, लेकिन अभी हम जब लटकन में फोकस कर रहे हैं तो मैं देखता है कि पूरा कलरफुल थीम दें लटकन के लिए, और वो चीज़ हम करके लेके आते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग नहीं समझते हैं लटकन क्या होती है, कोई एक एग्जांपल के तौर पे दिखा सकते हैं? जो स्ट्रिंग्स वाली जो भी लेआउट्स होती हैं, जैसे लाइक ये इसे कह रहे हैं ये लटकन, ये जो सेट्स वगैरह होते हैं ये उसमें नीचे काम आता है, इसलिए इस लटकन बोलते हैं उनको। ये पीस देख रहे हैं डायरेक्टली पहनने के होते हैं और सेट्स वगैरह में नीचे इसको वियर कर सकते हैं, लगा सकते हैं पेंडेंट्स वगैरह में, इसलिए लटकन बोलते हैं। 2019 में जितनी भी ज्वेलरी यहाँ पर है वो ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर यहाँ पर जो खूबसूरती के साथ स्टॉल्स हैं वो? वैसे अगर आपको पता है तो जयपुर यानी कि गुलाबी नगरिया अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल सिटी माना जाता है, और यहाँ की जो खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो वर्ल्ड फेमस हैं। और बिल्कुल उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए जैज 2019 की हर एक स्टॉल डिज़ाइन की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर ज्वेलरी का तो बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है ही, जितने भी बडिंग टैलेंट होता है यानी कि जो ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, और हर साल यहाँ पर होता है ज्वेलरी डिजाइन अवार्ड शो, और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ही गैलरी है जहाँ पर जितने भी डिजाइनर्स हैं जिनको हर साल उनकी उस ज्वेलरी के लिए चुना गया है वो ज्वेलरी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं, नॉट टू वरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ पर ये जो ग्लिटराटी 3 दिन की यहाँ पर है इसे आप इंजॉय कर सकते हैं।